अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजा शम्स है। हमारा YouTube चैनल है शम्स राजा, जिसपे प्रॉपर्टी लिखा से वीडियोस हम लोग शेयर करते हैं और रियल स्टेट के बारे में बताते हैं। आज हम आपको किंग्स मार्बल पे लेके आए हैं और आज हम आपको बताएंगे कि घर में मार्बल और चिप्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और सीढ़ियों पे जो है मार्बल जो यूज होता है वो कौन कौन सी क्वालिटी की है, क्या क्या प्राइजेस है। आज हम किंग्स मार्बल में मौजूद है, इसको पार्क रोड भी कहते हैं, कुरी रोड भी, जिना रोड भी कहते हैं, बैरिया इनक्लेव रोड भी कहते हैं। जब आप कुरी रोड लेते हैं तो वहां से 10 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर अटक पंप से पहले ये किंग्स मार्बल मौजूद है। यहाँ से ही हम अपने कंस्ट्रक्शन का, अपने घरों का सामान वगैरह लेते हैं और आज हम आपको बताएंगे ये हमारे उन क्लाइंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल जो है वो होगा, जब वो ये सब इंफॉर्मेशन जब हम आपको शेयर करेंगे और आपको प्राइजेस वगैरह बताएंगे। हमारे साथ हमारे कोलीग, हमारे दोस्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कंस्ट्रक्शन में घर पे आप कौन कौन से चिप्स जो है वो रिकमेंड करेंगे क्लाइंट्स को, जो लोग घर बना रहे हैं मार्बल कौन सा रिकमेंड करेंगे और हमें दिखाएंगे भी। ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपकी इंफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। बहुत ज्यादा क्लाइंट्स को नहीं पता टाइल मार्बल्स का क्या प्राइजेज है और कौन सी क्वालिटी जो है अच्छी है। जी कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह शम्स भाई, शुक्र अल्लाह करम। आज हम आपके पास आए हैं, हमारे क्लाइंट्स को बताएं, चिप्स से स्टार्ट करते हैं। जब ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है तो रूफ टॉप पे, छत पे चिप्स वगैरह जो है वो डलता है, उसपे भी क्वालिटीज है, इनसे पूछते हैं और इनकी आपको दिखाते भी है जगह। आपने मार्बल वगैरह बाय करना हो और हम भी अपनी जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो इन्हीं से ही बहुत अच्छे से बहुत सालों से काम कर रहे हैं और बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मार्बल आप यहाँ से ले सकते हैं। आइए अब हमें दिखाएं चिप्स का। आए जी, हमारे साथ साथ आए। चिप्स के अंदर बेसिकली नंबर्स होते हैं शम्स भाई, ठीक है, 8 नंबर होता है, 8.5 नंबर होता है जो अक्सर रूफ में इस्तेमाल होता है। फिर इसके अंदर वैरायटीज आती है, एक नॉर्मल वैरायटी आती है जिसके अंदर थोड़ा सा येलो जो पीसेज है वो ज्यादा एड किए जाते हैं ना, तो भाग में पकड़ लिया। कुछ वैरायटीज जो नॉर्मल वैरायटी होती है उसके अंदर चिप्स के अंदर येलो शेड होता है, फिर कुछ आती है बेहतर, फिर सुपर आती है, फिर बंगाल वाइट आती है, फिर अक्सरियत जो है वो ज्यारत की चिप्स होती है जो कि बिल्कुल प्योर वाइट होती है। तो हम जो ज्यादातर रिकमेंड करते हैं वो करते हैं ज्यारत वाली, तो वो अक्सर कस्टमर जिस वक्त हमें वो करते हैं ऑर्डर देते हैं तो हम डायरेक्टली उनकी साइड के ऊपर जो है वो लोड अनलोड समेत उनकी साइड पर विद डिलीवरी पहुँचा दिया करते हैं। यहाँ पे जो स्टॉक में रखी जाती हैं वो नॉर्मल रखी जाती हैं क्योंकि अक्सर लोगों के बजट के अंदर भी नहीं आती और कुछ लोग जो है वो नॉर्मल, अक्सर जिस तरह आपको पता है अक्सरियत आजकल जो कंस्ट्रक्शन करके जो सेल करते हैं वो इतनी अच्छी चीज़ की तरफ नहीं जाते, जो अपना घर बनाते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे ये जो बैग्स आप देख रहे हैं ये नॉर्मल चिप्स के बैग्स होते हैं जो अमूमन अक्सर लोगों को, ज़्यादातर लोगों को चाहिए होते हैं, तो हम वो यहाँ पर स्टॉक रखते हैं क्योंकि इसको धूप से और बारिश से जो है ये बैग थोड़े अरसे बाद ठीक नहीं रहता, तो जो अच्छी वाली महंगी वाली एक्सपेंसिव वाली होती है जो हम रिकमेंड भी करते हैं वो हम डायरेक्टली जो है वो कस्टमर की साइड पर डिलीवर करते हैं कि वो वेस्ट ना हो पाए। और इसकी प्राइस भी बता दें साथ साथ। नॉर्मल जो प्राइस है शम्स भाई, जो बिल्कुल नॉर्मल होती है जिस तरह की ये है, ये तकरीबन आप कह लें कि 120 रुपए में जो है वो मिलती है। इसके अंदर आप देख रहे हैं ग्रे भी होती है, येलो भी आती है, मुख्तलिफ मिक्स कलर बेसिकली इसके अंदर आते हैं, तो ये आप कह लें कि एक फॉर्मेलिटी पूरी करती है लेकिन वो उस तरह अच्छे लेवल की नहीं होती है। वो आप डायरेक्टली वहाँ से मंगवाते हैं जब क्लाइंट आप ऑर्डर करते हैं, ज़ियारत की चिप्स कहते हैं, बिल्कुल प्योर वाइट ज़ियारत की चिप्स होती है, उसके अंदर कोई येलो दाना नहीं होता, कुछ भी नहीं। और उसका जो मेन बेनिफिट होता है वो ये होता है कि वो आपके घर को हीट से भी बचाती है, क्योंकि ज़ियारत की ये नेचर है कि वो कोई चीज एब्जॉर्ब नहीं करता और वो कूल रहता है। ये ज़ियारत वाली हम आपको दिखाते हैं। अब ये ज़ियारत की चिप्स देखे जी, जो टॉप क्वालिटी की है, हमारे क्लाइंट्स के लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होगा इन्फॉर्मेशन। पानी के बीच में पड़ी पड़ी, इसका थोड़ा सा पानी के कलर की वजह से इस तरह का शेड आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल प्योर होती है और ये जो है ठंडी रहती है। अगर आप जून जुलाई में भी इसके ऊपर नंगे पांव चलना चाहें, ज़ियारत का मार्बल लगा हुआ हो या चिप्स हो, वो इसी तरह। इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस जो होती है सर, इसकी प्राइस अभी हम जो लास्ट डिलीवर कर रहे हैं वो 280 रुपीज पर बैग विद डिलीवरी दे रहे हैं। इसके अंदर लोड अनलोड और डिलीवरी शामिल होती है। ये आपके 280 रुपए साइट के अंदर 280 रुपए बैरिया इनक्लेव या इस्लामाबाद के अंदर जो है वो है। फिर ये चिप्स के अंदर बहुत ज्यादा कलर्स भी आते हैं, कुछ लोग जिस तरह पहले आपने देखा होगा अक्सरियत लोग डिजाइन वगैरह बनवाया करते थे, उसके लिए भी ऑनेक्स की, ये ऑनेक्स की है और की। ये रेड की है, रेड की। ये क्या प्राइस है इनकी? सेम प्राइस है 280? मुख्तलिफ प्राइजेस होती हैं। ये ऑनेक्स की जो है ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो ये तकरीबन आप कह लें कि 3500 रुपीज पर बैग भी होता है। वो ये लोग शौक के हिसाब से डालते हैं, मसलन जिस तरह पहले अगर सहन बनाए जाते थे, कोई इस तरह की चीज बनाई जाती थी,
उसके अंदर जो है लोग डिजाइन वगैरह बनाया करते थे। आजकल अमूमन सिर्फ छत का ट्रेंड रह गया, तो छत पे अक्सरियत जो है वो वाइट यूज करती है। चले अब आगे भी बताएं। नेक्स्ट स्टेप जो होता है शम्स भाई, चिप्स के बाद जो घर के अंदर जो लाजमी चीज होती है वो होती है विंडो सिल। बेसिकली विंडो सिल का पर्पज ये होता है कि वो आपकी दीवारों को जो है ना, विंडो के आउटसाइड पे जो उसकी सिल एक इंच बाहर होती है दीवार से, और वो उसके प्लस्तर को बचाने के लिए होती है। विंडो सिल्स के लिए आजकल जो बेरिया एनक्लेव के अंदर या जिस एरिया में हम अभी बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, यहाँ पर जो अमूमन यूज किए जाते हैं वो फ्लावर यूज किया जाता है, ट्रॉपिकल ग्रे यूज किया जाता है, पार्लिनो यूज किया जाता है, ये फ्लावर ग्रेनाइट यूज किया जाता है। ये फ्लावर आप कह रहे हैं? नहीं, बेसिकली फ्लावर मार्बल का नाम है। ठीक है, वो ये आए मैं आपको दिखाऊं। आए जी, फ्लावर मार्बल है विंडो सिल के लिए, वो ये वाला यूज किया जाता है। विंडो सिल के लिए फ्लावर मार्बल, ये सामने आप देख रहे हैं ब्राउन वाला डॉट। और इसकी जो प्राइस है विंडो सिल्स के लिए विद राउंड, ये हम देते हैं 300 रुपीज। बेसिकली जो विंडो सिल्स की विड्थ होती है वो नॉर्मल विड्थ जो होती है वो 12 इंचेस होती है, तो जो 12 इंचेस से एक्सीड करती है उसका रेट स्लैब वाला होता है, लेकिन अमूमन अक्सर विंडो सिल्स के अंदर जो है वो 12 इंचेस ही लगता है, तो वो 300 रुपीज में हम आपको डबल साइड राउंड। और अक्सरियत लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो इसको मिड में से कट करके लगवाते हैं, 5 इंचेस जो है वो इनसाइड करते हैं और 7 इंचेस जो है वो बाहर करते हैं, वो हाइट का कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि बाहर से जो पानी आता है वो फिर विंडो के अंदर नहीं आता, सिंगल पीस में नहीं लगाते, तो वो भी इस 300 रुपीज के अंदर पर स्क्वायर फीट के अंदर शामिल होता है। और अगर बेरी एनक्लेव में इस्लामाबाद में किसी भी जगह हमारी सर्विसेज हो, तो हमारा ये है कि हमारी सर्विसेज के अंदर ये है कि हम लोग खुद ही जाके मेजरमेंट्स भी करते हैं और फिर वहीं पे कोटेशन भी दे देते हैं, और डिलीवरी के साथ भी हम खुद जाते हैं। और कस्टमर को ये हम लाजमी कहते हैं कि आप जिस वक्त आपका मटेरियल डिलीवर हो रहा हो, अवल तो हम कोशिश करते हैं कि हम साथ जाएं, अगर हम ना हो तो कस्टमर या उसका कोई ऐसा बंदा जो उसकी जिम्मेदारी उसने कस्टमर ने बनाई हो कि भाई आपने इसको चेक करना है, वो अच्छी तरह चेक करें, खुदा ना खास्ता अगर कोई चीज उनको वहां पे पसंद नहीं आती या उनको लगता है कि ये चीज जो है वो जिस तरह बताई गई थी उस तरह नहीं है, तो वो वहीं से वापस करेंगे और इंशाल्लाह ताला वो चीज हमारी होगी, कस्टमर की नहीं होगी। माशाल्लाह, इससे आगे। और इससे नेक्स्ट जो है वो ट्रॉपिकल ग्रे यूज किया जाता है अक्सरियत अमूमन तौर पे, ये ग्रेनाइट है बेसिकली, ये है ट्रॉपिकल ग्रे, ये आपको विंडो सिल्स के लिए 12 इंचेस की विड्थ में सेम डबल साइड राउंड और कट समेत जो है वो 280 रुपीज का मिलता है, और स्टेयर्स के लिए भी 12 इंचेस तक इसकी यही प्राइस है। इसके बाद ब्लैक ग्रेनाइट यूज किया जाता है, ये भी यूज किया जाता है, बहुत मजबूत पत्थर है, ब्लैक ग्रेनाइट प्लेन है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसे आते हैं कि जिसके अंदर क्रैक आता है, लाइन आती है, लेकिन हम जो देते हैं वो बगैर लाइन के, बगैर क्रैक के, जिस तरह आप प्लेन माशाल्लाह देख रहे हैं इसी तरह आपको विंडो सिल्स के लिए मिलेगा 12 इंचेस में, और स्टेयर के 12 इंचेस तक की विड्थ के लिए जो इसका रेट है वो रेट में आपको, ये हमारी रेट लिस्ट है ग्रेनाइट की, रेट्स क्योंकि हम रेट लिस्ट से देख के इस वजह से बताते हैं कि ये अप एंड डाउन होते रहते हैं, ऐसा ना हो कि हम कोई रेट दे दें और खुदा ना खास्ता वो अप हो जाए या डाउन हो जाए, इस वजह से रेट लिस्ट जो है वो हम अपडेट भी करते रहते हैं और इसके साथ रेट देते हैं। तो 12 इंचेस के अंदर ब्लैक ग्रेनाइट का डबल साइड राउंड करके 660 जो है वो पर स्क्वायर फीट रेट है, 660 पर स्क्वायर फीट जी। इसके बाद अक्सरियत जो है वो आजकल ये यूज किए जा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका उसका फ्लोर का, बेसिकली इनडोर आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है, लोग टाइल्स यूज करते हैं, जिस तरह की आपको पता है हर घर के इनडोर जो है वो टाइल्स यूज की जाती है, लेकिन आउटडोर जैसे कि कार पोर्च, साइड लॉबी वगैरह हो जाए या टेरेस हो जाए, ओपन टेरेस, इस जगह पे मार्बल लगाया जाता है, उसके अंदर भी काफी वैरायटीज मौजूद है, लेकिन कुछ जो है वो हम रिकमेंड भी करते हैं, कुछ जो अच्छी रिकमेंड करते हैं वो जरा काइंडली बता दें। सर ये फ्लावर और पार्लिनो भी मौजूद है, फ्लावर जो आपने देख लिया, फ्लावर देख लिया जी, और पार्लिनो जो है, पार्लिनो ये लगा हुआ है, ये सैंपल है पार्लिनो का, इसके अंदर भी 3 क्वालिटीज होती हैं, एक होता है दबे वाला, एक होता है क्रिस्टल वाला, एक होता है प्लेन वाला। ये है प्लेन वाला, इसकी प्राइस जो है वो आपको मिलेगी, पार्लिनो प्लेन की आपको प्राइस मिलेगी 230 रुपए। फिर इसके बाद जो रिकमेंड, जिस तरह चिप्स में हमने आपको रिकमेंड किया था, ज्यादा नेचर जो कि मैंने आपको बताई थी कि अगर आप जून जुलाई में भी ये धूप में रखा रहे सारा दिन, फिर भी आप इसके ऊपर चप्पल के बगैर भी सकते हैं, ये ठंडा रहता है। और अगर जिस तरह पोर्च के अंदर मोबिल ऑयल गाड़ी से गिरता है या कोई इस तरह की बात होती है, तो ये वो कोई भी चीज अब्सॉर्ब नहीं करता, एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट करता है। ये वैरायटी जो है ये ज्यादा की लगी हुई है, ये जिस तरह वाइटनेस के करीब जाता जाता है उसका प्राइस हाई होता जाता है, लेकिन जो सबसे लोएस्ट है और जो सबसे हाईएस्ट है, उन सब की नेचर में कोई डिफरेंस नहीं है, हम ये ज्यादातर रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट वगैरह आप जो बनाते हैं वो भी बताएं जी, हैंडीक्राफ्ट देखे आके वाटरफॉल्स है,
फायर प्लेसेस हैं, स्टेयर्स हैं, ये देखिए जी फायर प्लेसेस देखे, इस तरह की हर तरह से फायर प्लेसेस आप बनवा सकते हैं मार्बल की। ये देखे मैंने, ये क्रॉकरी है, ये फाइबर की वाटरफॉल है, ये फाइबर की वाटरफॉल है, मार्बल के फाउंटेन भी हम यूज करते हैं, मार्बल मोजाइक का काम, मार्बल पीस वर्क का काम भी हम करते हैं, फेस एलिवेशन सारा कुछ, फ्रंट एलिवेशन, ये सारी चीजें हम लोग मार्बल ग्रेनाइट में, चंपाल स्टोन में, सारी चीजों में करते हैं। मार्बल के अंदर हमारे पास डेकोरेशन पीसेस, एश ट्रेस, क्रॉकरी, अब ये कस्टर्ड बाउल्स हैं, ये आप देख सकते हैं, वेरी नाइस, नॉर्मली अपने घर के अंदर यूज भी कर सकते हैं, जबरदस्त ग्लास है। और फिर अगर आपको किसी को गिफ्ट करना हो तो ये मार्बल के टाइल पीसेस भी बहुत सारी शेप्स में, बहुत सारी चीजों में आते हैं, जिस तरह के ये देखें, आपके अल्लाह का नाम लिखा हुआ है माशाल्लाह टाइम पीस के अंदर, ये एक शिप है, शिप के अंदर साइजेस भी होते हैं। और ये शम्स भाई ऑनेक्स है, हमारा बहुत अच्छा मार्बल है जो एक्सपोर्ट भी होता है, ये उसके अंदर ब्रेसलेट है, लेडीज ब्रेसलेट, ये ब्रेसलेट भी है। और हम लोग ये वाजेस भी जो है, सिर्फ उनके वाजेस हो गए, ये चीज, ये वुडन टेबल जो है, कंजोटी वुडन जिसको कहा जाता है, ये भी हमारे पास होते हैं, ये आपका टेबल है, ये टेबल जब आप ओपन करते हैं बिल्कुल, तो ये ट्रैक जो है वो आप इसे रख सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास टेबल के अलावा का साइज भी है, ये छोटा साइज है, इसके अंदर भी आप कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट देना चाहे तो गिफ्ट भी दे सकते हैं। ये वाले वाजेस है, वो वाले वाजेस है, जिप्सम के वाजेस है, ये फाइबर की हमारे पास जो है, फाइबर की वाटरफॉल्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन और बहुत सारे साइजेस कलर है। और ये आप देख सकते हैं कि ये पोर्टेबल होती है, और ये कोई भी बंदा आसानी से इसको एक हाथ से भी उठा लेता है और किसी भी जगह पे लेके जा सकते हैं, आप किसी भी रूम में, ड्राइंग रूम में, आउटडोर, इनडोर, किसी भी जगह पे आप इसको रख के यूज कर सकते हैं। फिर मार्बल और ग्रेनाइट की वैरायटीज है, वेरियन क्ले के अंदर हमने शम्स भाई के भी काफी घरों के अंदर जो है वो इंस्टॉल की है, और उसके अलावा इनके रेफरेंस से भी काफी लोग आए, उनके घर में भी हमने इंस्टॉल की है, उसकी भी पिक्चर इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ शेयर करेंगे। मार्बल टेबल्स हमारे पास होते हैं, टोटल मार्बल टेबल्स भी होते हैं, सेमी मार्बल टेबल्स भी होते हैं, जिसके अंदर हम लोग एसएस का या स्टील का इस्तेमाल करते हैं, टॉप्स उसके ऊपर जो है वो ग्रेनाइट के या मार्बल के, जो भी आप करवाना चाहें वो हो सकते हैं। और अगर आप कोई इंटरनेट से पिक्चर या वीडियो लेते हैं किसी टेबल की, वैनिटी की, स्टेयर की, फायर प्लेस की, फ्लावर की, किसी भी चीज की, वो भी हम इंशाल्लाह ताला आपको बना के दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा हमारे क्लाइंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ होगा, टाइल मार्बल, ग्रेनाइट, हैंडीक्राफ्ट, आपको कोई भी चीजें चाहिए वो आपने बनानी है तो आपने विजिट करना है यहाँ पे मास्टर मार्बल पे, और आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफा होगा और प्राइजेस भी आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा गाइड किया हमारे क्लाइंट्स को, और आपके बहुत अच्छे से आप बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने सोचा मैं आज आपको प्रमोट करूं और आप बताऊं लोगों को, क्योंकि जो इंसान अच्छा काम करता है, एफर्ट करता है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देता है, जहरी बात है उसका उसका रिवॉर्ड है कि उसको प्रमोट किया जाए। सो थैंक यू वेरी मच क्लाइंट्स, आई होप आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा मार्बल टाइल्स के हवाले से, तो मेरे नंबर पर कॉल कीजिएगा, अगर आपने घर बनवाना है, कंस्ट्रक्शन करवानी है, उस पर भी हम लोग हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ दिस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।